इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। नाम दीक्षा है और आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे आज भी अच्छे से याद है, हम दोनों बहनें 11वीं कक्षा में घर के पास ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। उसका नाम बुलबुल था। वैसे बुलबुल मेरी सगी बहन नहीं थी, वो मेरे मामा की बेटी थी। उसके पापा अचानक से ही एक एक्सीडेंट में चल बसे और फिर बुलबुल की माँ ने भी कुछ सालों बाद दूसरी शादी करने का सोच लिया। लड़का भी अच्छा मिल गया था, बस शर्त थी कि वो बुलबुल को कभी नहीं अपनाएगा। बात इतनी बड़ी कि बहस में बदल गई और बहस से अनबन में रिश्ता मानो टूट ही गया था। पर फिर माँ पापा ने बुलबुल को अपने पास ही रख लिया। सच कहूँ तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बुलबुल मेरी सगी बहन नहीं है। हम दोनों बहनों की आपस में जमती थी, साथ पढ़ना, खेलना, मस्ती करना, ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन रोज की तरह ही शाम के 4 बजे हमारी स्कूल की छुट्टी हुई। तभी बुलबुल ने कहा, दीदी मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। करीब 15 मिनट हुए लेकिन वो वापस ही नहीं लौटी। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, मेरी चिंता भी आसमान छूने लगी थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं खुद ही बाथरूम के अंदर चली गई। मैंने बाथरूम के अंदर कदम रखा ही था कि देखा वॉश बेसिन से पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा था, जिससे सारा फर्श खूनम खून हो चुका था। मैं डरे सहमे बुलबुल को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। बुलबुल कहाँ है तू? बुलबुल मेरे सामने ही तो बाथरूम के अंदर गई थी वो, फिर अचानक से कहाँ जा सकती है? बाथरूम के सारे दरवाजे खुले हुए थे, बाथरूम में कोई नहीं था। तभी मुझे मेरे माथे पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। मैंने जब छुआ तो वो किसी का खून था जो ऊपर से मेरे सर पर गिर रहा था। इस चक्कर में जब मैंने ऊपर नजरें दौड़ाई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सिर के ठीक ऊपर बुलबुल उल्टा लटकी हुई थी, जो अपनी आंखों में खून लिए मुझे ही देख रही थी। उसके सिर पर चोट का गहरा निशान था, जिससे टपकता हुआ खून पहले मेरे सिर पर गिर रहा था और अब मेरे चेहरे पर। कि फिर अचानक ही मुझे लगा कि बुलबुल एकदम से मेरे ऊपर आ गिरी। इस डर से मेरी चीख निकल गई। मैं डर के मारे बाथरूम से बाहर जाने को हुई ही थी कि मैंने देखा बुलबुल ठीक मेरे आंखों के सामने दरवाजे पर ही खड़ी थी। दीदी आप डर क्यों रही हो? मैं आपकी बुलबुल, चलो ना घर चलते हैं, शाम हो गई, माँ पक्का गुस्सा करेगी। बुलबुल की बातें सुन मुझे एक पल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसकी एक आँख फूटी हुई और उसका सिर आधा कटा हुआ था, जिसमें से कीड़े निकल रहे थे। मैंने एक नज़र बुलबुल के ऊपर बैठी भूतनी को देखा, फिर अगले ही पल बुलबुल को। बुलबुल की आँखें और माथे से खून गिर रहा था, उसके पैर उल्टे हो चुके थे और वो उल्टे पैरों से ही मेरी तरफ चली आ रही थी कि तभी पियून और कुछ टीचर्स वहाँ दौड़े आए। सबके आते ही बुलबुल एकदम से ठीक हो गई। क्या हुआ दीक्षा, तुम चीखी क्यों? पियून ने आते ही मुझसे पूछा। बुलबुल भी दरवाजे के पीछे खड़ी मुझे देख ही रही थी और मैं उसे। पियून ने जब मेरे डरे हुए चेहरे को देख मेरी नजरों का पीछा किया तो उसकी निगाहें बुलबुल पर जा रुकी। पर जैसे ही पियून की नजर बुलबुल के माथे पर गई, वो चौंक गया। ये क्या हंगामा कर रहे हो तुम दोनों? स्कूल में लड़ाई झगड़ा करने आते हो? रुको, अभी तुम्हारे पापा को फोन करके तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ। पियून मुझे खरी खोटी सुनाता हुआ बुलबुल को संभालते हुए बाहर ले गया। किसी को भी मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। सबकी नजरों में मैं एक कसूरवार थी। सबको लग रहा था कि हम दोनों के बीच किसी बात का झगड़ा हुआ है और गुस्से में मैंने बुलबुल का माथा लहूलुहान कर दिया था। बुलबुल जब अपना इलाज करा कर बाहर आई तो उसके हाव भाव पहले जैसे हो गए थे। उसने आते ही मुझे गले से लगा लिया, रोते हुए कहने लगी, दीक्षा दीदी मेरे साथ ये किसने किया? किसकी वजह से मेरे सिर पर इतनी गहरी चोट लगी है? दीदी आप कुछ तो बताओ। बुलबुल मेरे गले लग दर्द के मारे रोए जा रही थी, पर मैंने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों बहनें जब घर पहुंची तो पापा गुस्से से हमारे ही आने का वेट कर रहे थे। मुझे सब कुछ सच सच जानना है। क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? मुझे स्कूल से फोन आया था कि दीक्षा तुमने गुस्से में बुलबुल का सिर फोड़ दिया, पर क्यों? पापा मुझे खरी खोटी सुनाए जा रहे थे और मैंने पापा की भी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस चुपचाप ही बुलबुल के बगल में खड़ी रोती रही।
पापा के इतना डांटने पर भी जब मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो खुद ही झुंझलाते हुए वो अपने कमरे में चले गए। पर जाते जाते पापा सबको ये कह गए कि कोई भी मुझे आज खाना नहीं देगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन फिर बुलबुल चोरी छुपे मेरे लिए खाना लेकर आई। दीदी, आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए ना। ये कहते हुए बुलबुल रोटी का एक निवाला तोड़ मुझे खिलाने जा ही रही थी कि तभी मैंने एकदम से बुलबुल का हाथ पकड़ उससे सीधा पूछा, बुलबुल क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? किस बारे में दीदी? छुट्टी के बाद जब तुम बाथरूम में गई थी तब क्या हुआ था, तुम्हें कुछ याद भी है? मेरे सवाल पर बुलबुल ने कुछ सोचते हुए कहा, बस धुंधला धुंधला सा कुछ याद है दीदी। मैं जैसे ही अंदर गई तो बाथरूम के वॉश बेसिन से पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा था, जिससे सारा फर्श खूनम खून हो चुका था। मैं डरी सहमी आवाजें लगाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, पर बाथरूम के सारे दरवाजे खुले हुए थे, बाथरूम में कोई भी नहीं था। पर तभी मुझे मेरे माथे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। मैंने जब छुआ तो वो किसी का खून था, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर नजर दौड़ाई मैं डर के मारे कांपने लगी थी। मुझे पता चल चुका था कि बुलबुल आगे क्या बताने वाली थी, इसलिए मैंने खुद ही उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, और फिर जब तुमने ऊपर देखा तो एक औरत उल्टी लटकी हुई तुम्हें ही देख रही थी, जिसकी एक आंख फूटी हुई होगी और उसका सिर आधा कटा हुआ होगा, जिससे कीड़े निकल रहे होंगे। मैंने बुलबुल को वो सब कुछ बताया जिसका जिक्र बुलबुल ने किसी से नहीं किया था। मेरी बातें सुन बुलबुल के पसीने छूटने लगे। उसने चौंकते हुए मुझसे कहा, दीदी आपको कैसे पता कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ? क्योंकि मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था, बस फर्क इतना है कि मेरे पूरे शरीर पर कहीं चोट नहीं लगी। फिर तुम्हारे सिर पर इतना गहरा घाव कैसे? इस पर बुलबुल ने अपने सिर की चोट को महसूस करते हुए कहा, वो डर के मारे जब मैं दरवाजे की ओर दौड़ी तो मेरा पैर फिसल गया और मैं एक झटके से नीचे गिर बेहोश हो गई। इसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। बुलबुल की बातें सुनने के बाद कई सवालों से मेरा सर फटे जा रहा था। आखिर ऐसा क्या था उस बाथरूम में और वॉश बेसिन में वो खून का गिरना, वो उल्टी लटकी हुई बूढ़ी औरत? मैं इन सब के बारे में ही सोच रही थी कि तभी मैंने देखा कि बुलबुल गहरी नींद में सो चुकी है। शायद दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बुलबुल को चैन से सोता हुआ देख मैंने भी कमरे की लाइट तुरंत बंद कर दी। पर जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटी मेरी सांसें रुक सी गई। वो बूढ़ी औरत बुलबुल के बिस्तर के ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई एक टक बुलबुल को देखे जा रही थी। फिर आहिस्ते से वो नीचे उतरी और बुलबुल के सर पर लगी चोट से उसका खून पीने लगी। बुलबुल नींद में ही दर्द से छटपटा रही थी, दीक्षा दीदी मेरी मदद करो, मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। पर मैं डर के मारे एक पत्थर बन गई थी। मैं बुलबुल की कोई मदद ना कर सकी। उसका दर्द पूरे कमरे में गूंज रहा था, जिसे अब बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए मैं तकिया के नीचे अपना सिर अपने हाथों से दबाने लगी ताकि किसी तरह से मैं उस आवाज को ना सुन पाऊं। कुछ समय बाद मेरी ये कोशिशें कामयाब हो गई थी। बुलबुल की चीखें अब शांत हो चुकी थी। मैंने भी एक तकिया के ओट से जब बुलबुल को देखा तो वो चैन की नींद सो रही थी। लेकिन अगले दिन मैंने जब बुलबुल को देखा तो मेरा खून जमने को हो गया, क्योंकि बुलबुल का सारा शरीर सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे दिखाई देने लगे थे। उसके शरीर का मांस अब हड्डी छोड़ने लगा था और उसकी चमड़ी अब गलनी सी हो गई थी। अब बुलबुल बहुत चुप रहने लगी थी। स्कूल में भी उसका बर्ताव कुछ अजीब हो गया था। टीचर्स कुछ भी कहें वो पढ़ाई नहीं करती, उल्टा उन्हें ही घूरने लगती। एक बार क्लास में मैंने उसे अकेली बैठा देखा तो सोचा उससे बात करूं। जैसे ही मैं थोड़ा और करीब गई तो देखा बुलबुल खिड़की के बाहर देखकर हंसी जा रही है और अपने होठों से बड़बड़ा रही है। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैंने डरते डरते उसके पीछे जाकर खिड़की की ओर नजर घुमाई तो मुझे वो बूढ़ी औरत का साया दिखा, जो रात में बुलबुल के सिर के घाव से उसका खून चूस रही थी। तभी बुलबुल मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था, आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। इससे पहले
मैं पीछे हट पाती, बुलबुल ने मुझे गर्दन से पकड़ क्लासरूम के एक कोने में फेंक दिया। मैं धड़ाम से बेंच पर जा गिरी। आवाज इतनी तेज हुई कि आसपास की मौजूद सारी टीचर्स और प्यून्स और स्टूडेंट्स मुझे संभालने मेरे पास आ गए। मुझे बहुत चोट आई थी, पर मेरा ध्यान अभी भी बुलबुल पर ही था। इतना सब होने के बाद भी मुझे उसकी ही फिक्र सता रही थी। प्यून भी गुस्से में बुलबुल को पकड़ने उसके पास जा ही रहा था कि बुलबुल ने एक झटके से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। बेचारे की आखिरी सांस उसके जिस्म के किसी हिस्से में फंस के ही रह गई। प्यून को एक पल में ही मुर्दा देख सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स डर के मारे चीखने लगे। सबको अब अपनी जान प्यारी लगने लगी। टीचर्स ही मुझे सहारे से बाहर ले गई थी। अब पूरे स्कूल में चीखे गूंजने लगी थी। इतना तेज का हल्ला मचा कि प्रिंसिपल भी खुद अपने केबिन से निकलकर सबके बीच आ गया था। इतना शोर किस बात का? क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई जानवर घुसाया क्या? प्रिंसिपल सबसे पूछता हुआ आगे चला जा रहा था, पर किसी ने भी प्रिंसिपल की एक नहीं सुनी। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पर प्रिंसिपल वापस उसी तरफ जा रहा था जहाँ से बुलबुल आ रही थी। प्रिंसिपल ने भी जब बुलबुल को प्यून के खून से लथपथ देखा तो वो एक पल को तो डर गया, पर अगले ही पल वो गुस्से में तमतमाता हुआ बुलबुल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? तुम ये कहां से लाल रंग पोतकर बच्चों को डरा रही हो? रुको, अभी तुम्हें रस्टिगेट करता हूं, तभी तुम्हें अकल आएगी। प्रिंसिपल ये कहता हुआ बुलबुल के करीब जा ही रहा था कि अचानक ही उसकी नजर बुलबुल के पैरों पर पड़ी जो उल्टे थे। बुलबुल के पैरों को देख डर के मारे प्रिंसिपल का गला सूख गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुलबुल और प्रिंसिपल एक दूसरे के सामने खड़े थे। प्रिंसिपल डर के मारे कांप रहा था कि अचानक बुलबुल हवा में उड़कर प्रिंसिपल को ही घूरने लगी। प्रिंसिपल जान गया था कि उसके सामने बुलबुल नहीं बल्कि उसकी मौत है, और शायद उसे बुलबुल में किसी और का अक्स दिखाई दे रहा था, क्योंकि जितना मुझे याद है प्रिंसिपल ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बस इतना कहा था, तू वही है, पर मैंने तो तुझे मारकर बाथरूम में दफना दिया था, फिर तू वापस कैसे आ सकती है? मास्टर, तुझे क्या लगा मेरा बचपन मेरी जिंदगी बर्बाद करके तू आजाद घूमता रहेगा? अरे तूने जो मेरे साथ दुष्कर्म किया है उसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगी। इतना कहकर बुलबुल ने अपने दोनों हाथों के बीच में प्रिंसिपल का सर रखकर उसे पीस डाला, जिससे प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई। और प्रिंसिपल के मरते ही बुलबुल बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। पर उस हादसे के बाद से बुलबुल ने किसी भी शख्स से एक लफ्ज नहीं कहा। हाँ, पर वो आज भी कभी आसमान में तो कभी खिड़की के बाहर देखकर मुस्कुराती रहती है। मैंने भी उसकी नजरों का पीछा किया, पर अब मुझे किसी बूढ़ी औरत का अक्स नहीं दिखाई देता। पर एक बात बताऊँ आप लोगों को, मुझे आज भी ये बात चैन से सोने नहीं देती कि आखिर क्यों बुलबुल के माथे पर लगी चोट अचानक से ठीक हो गई थी। शायद वो बूढ़ी औरत आज भी बुलबुल के माथे से खून पीने आती हो। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।